चलिए समझते हैं फटाफट से, बहुत ज्यादा परेशान होना नहीं है, समझते हैं कुछ चीजें नहीं है उनको कैसे देखेंगे। कौन सा सामाजिक कीट नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल इंसेक्ट। तो ये पहले भी पूछा जा चुका है प्रीवियसली भी। तो जब हम सोशल इंसेक्ट की बात करते हैं तो मेरे ख्याल में इसमें जो आपके ऑप्शंस रहे होंगे वो रहे होंगे सोशल कीट, ये पहले भी पूछा है इन्होंने, तो कौन सा नहीं है पूछ लिया इस बार। तो आपके सामने ऑप्शंस इसी तरह के आए होंगे कि एंट, एंट्स यानी चींटियां, आपको पता है ग्रुप में चलती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वास्प, तो वास्प जो ततैया बोलते हैं ना जिसको, वो भी ग्रुप में रहते हैं, है ना। हनी बीज जो है बीज, वो भी ग्रुप में रहती है। टर्माइट भी ग्रुप में रहता है, यानी दीमक की अगर हम बात करें, लेकिन एक चीज है जो नहीं रहती ग्रुप में, वो है स्पाइडर। तो ये ग्रुप में ना रहने वाला, ये इंडिविजुअली रहेगा, किसी पेपर में पूछ सकता है कि ग्रुप में कौन सा रहता है। तो ये जो चींटियां हैं, वास्प है यानी जो ततैया बोलते हैं जिसको नॉर्मल भाषा में, बीज है या फिर टर्माइट भी है, दीमक भी, ये सब भी किसमें रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं। तो स्पाइडर है जो ग्रुप में नहीं रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एनिमिज्म यानी जीववाद। जीववाद बोले तो भाई क्या निर्जीव है क्या सजीव है, तो ये 2 से 7 वर्ष में होता है ये जो गुण है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में प्याजे की, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। बच्चा निर्जीव को भी सजीव समझता है, अगर उसको एक टेबल से चोट लग जाए तो वो समझेगा कि इस टेबल को मारो तो इसको भी दर्द होगा, जबकि टेबल को कोई दर्द नहीं हो सकता, एग्जिस्टेंशियलिज्म कहता है हालांकि, बट उसको छोड़ देते हैं, नॉर्मल आम भाषा में फिलोसफी को छोड़ दें तो टेबल को दर्द नहीं होता। कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है इनमें से, तो प्याजे हैं और वाइगोस्की हैं, दो ही कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं जिनके बारे में बात हुई है सिलेबस में, प्याजे हैं वाइगोस्की हैं। प्याजे जो है वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, वाइगोस्की एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। रचनावाद क्या है, वही जिसपे आपका एनसीएफ बेस्ड है, एनसीएफ के 5 जो गाइडलाइंस हैं उन पे भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 5 गाइडलाइन जिसको अच्छे से आती हैं उसका क्वेश्चन एनसीएफ का जनरली गलत नहीं होता, कि जो है एक ऐसी आइडेंटिटी बने बच्चे की, रोट लर्निंग से हम दूर ले जाएं, बस्ते को हल्का करें, एग्जामिनेशन को फ्लेक्सिबल करें, यही गाइडलाइंस हैं। तो कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद यानी मीनिंगफुल लर्निंग, यानी अर्थपूर्ण अधिगम होगा रचनावाद में, कॉन्टेक्स्ट में सीखेगा, संदर्भ में बच्चा एक्टिव रहेगा, यही सारी बातें होती हैं। स्कीमा पे आज से एक क्वेश्चन था, स्कीमा हमें पता है हमारा क्या है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड है, यानी दिमाग में जो दुनिया की आपकी समझ है वो सब स्कीमा में भरी हुई है। एग्जिस्टिंग नॉलेज आपका वर्तमान ज्ञान जो भी दिमाग में है, प्रीवियस नॉलेज एग्जिस्टिंग नॉलेज, मेंटल पॉकेट्स होती हैं जिसमें इंफॉर्मेशन भरती है। अपडेट कैसे होता है, एसिमिलेशन एकोमोडेशन के थ्रू, है ना, और ये किसके अंदर आते हैं, अडेप्टेशन के थ्रू। चॉम्स्की के अनुसार भाषा जन्मजात होती है, ये हमें पता है, अगर किसी ने अच्छे से सिलेबस को पढ़ा है या पढ़ाया है तो उससे बाहर नहीं देखने को मिलेंगी चीजें, ठीक, 1-8% मुश्किल से चीजें होती हैं। प्याजे की अवस्थाएं आपको पता है, SPCF यानी सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। 15 साल तक प्याजे ने कहानी खत्म कर दिया, जन्म से 15 साल तक ही इनकी स्टेजेस हैं, ऑर्डर यही है। कोहलबर्ग के सिद्धांत में गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया, इससे बहुत क्वेश्चन आता है, टिट फॉर टैट से और गुड बॉय गुड गर्ल से। तो ये 3rd स्टेज है कन्वेंशनल लेवल की, यानी लेवल 2 की, पारंपरिक स्तर की 1ली स्टेज और ओवरऑल देखें तो 3री स्टेज, क्योंकि मूल्यांकन करने का उद्देश्य क्या है, क्यों करना चाहते हैं मूल्यांकन, ताकि हम जान सकें कि उनको और कैसे बेहतर बनाया जाए, हमें फीडबैक मिले, हमें प्रतिपुष्टि मिले, हम उनकी यूनिकनेस को बाहर निकाल करके ला सकें, यही सारी बातें होती हैं मूल्यांकन के विषय में। नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए, होलिस्टिक होनी चाहिए, भैया बच्चा जो है चाहे वो आकलन हो, शिक्षा हो, समग्र रूप में हो, है ना, जिससे बच्चे का चहुमुखी विकास हो सके, उसका दिल दिमाग कॉग्निटिव अफेक्टिव और साइकोमोटर डेवलपमेंट शामिल हो सके। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार दूसरों को समझने की योग्यता, दूसरों को समझना मतलब इंटरपर्सनल, खुद को समझना मतलब इंट्रापर्सनल, शिक्षा का महत्व। तो आपको पता है प्रेजेंट लाइफ के लिए जो जॉन डुई है वो कहते हैं एजुकेशन फॉर एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, यानी प्रेजेंट लाइफ के लिए शिक्षा होनी चाहिए, हमारे अंदर की जो भी विशेषताएं हैं वो विकसित हों, निकल करके आए, निखर करके आए, ठीक। जो ब्रॉड डोमेन है वो ये कहता है, नैरो डोमेन क्या कहता है, नौकरी मिल जाए भाई। गाइडेंस एंड काउंसलिंग के उद्देश्य, अब ये डायरेक्ट नहीं है, ये हो सकता है किसी ने इसको अपनी भाषा में लिख दिया हो, जिस भी लर्नर ने पेपर दिया हो, तो क्योंकि ये आपके उसमें भी नहीं है, सिलेबस में भी नहीं है, डायरेक्ट गाइडेंस एंड काउंसलिंग नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ इसका मतलब जो है वो आपका कहीं ना कहीं डायग्नोस्टिक टेस्ट से या रेमेडियल टीचिंग से होगा। तो उसका उद्देश्य यही होता है कि जहां बच्चे को समस्या है उसको सॉल्व करके उसके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आगे बढ़ाया जाए, सिंपल बात। जबकि ये सारी बातें कई लोगों ने कही है कि एनसीएफ 2005 के जो प्रिंसिपल्स हैं यानी सिद्धांत हैं, वो जो 5 प्रिंसिपल्स हैं, और मैंने ये सारे कराए हुए हैं यूट्यूब पे, आप टॉपिक वाइज भी सर्च करते जाएंगे तो मिलती जाएंगे। एनईपी 2020 की जब हम बात कर रहे हैं तो ये एनईपी 2020 पे भी वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है ना। मूल्यांकन अगेन वही बात, फीडबैक के लिए होगा, कंटीन्यूअस होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, चहुमुखी हो, सतत चले, ऑब्जर्वेशन करे। वाइगोस्की की जब हम बात कर रहे हैं तो किस तरह के शिक्षण पर बल देते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, पीयर लर्निंग, ग्रुप लर्निंग, यानी समाज और संस्कृति साथ, जब भी ग्रुप की बात होगी, सोसाइटी की बात होगी, किसकी बात आ जाएगी, सोसाइटी कल्चर लैंग्वेज वाइगोस्की। तो ये भी बच्चों को सक्रिय रखेंगे, बट समाज के अनुसार, मतलब समाज के अनुसार नहीं, समाज में,
यानी ग्रुप में एक्टिव। आरटीएफ 2009 क्या क्वेश्चन आया ये हमें नहीं पता, बट आपको पता है कि भैया 40 घंटे जो है वो हफ्ते में काम करना होता है, ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 18 वर्ष के बच्चे कहाँ आएंगे, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में आएंगे। ठीक, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स, तो वो आपको पता है कि सेफेलोकॉडल है, प्रॉक्सिमोडिस्टल है, हेड टू टो किसी में पूछा हुआ था, तो हेड टू टो आपको याद रखना है कि सिरोध पदोन्मुखी सेफेलोकॉडल, सेंटर टू पेरिफेरी आपका होता है क्या प्रॉक्सिमोडिस्टल, और इस तरह के डेवलपमेंट क्या है स्पाइरल है कॉन्टिन्यूअस है। जेंडर आपको पता है जेंडर पे एक क्वेश्चन आना ही है, स्टीरियोटाइपिंग, अगर लड़कियां जो है उनको क्रिकेट खेलने से मना किया जा रहा है यानी स्टीरियोटाइप कर रहे हैं आप, बायसनेस कर रहे हैं आप, स्टीरियोटाइपिंग तो पक्का पक्का है ही, बायसनेस में बेसिकली स्टीरियोटाइपिंग में बायसनेस इंक्लूड होती है। ठीक, तो जेंडर से क्वेश्चन आना ही है। क्रिटिकल थिंकिंग, समालोचनात्मक चिंतन, यानी बच्चा लॉजिक और जो सलाह है दोनों के बीच का डिफरेंस जान पाए, हर एक पक्ष से चीजों को देख पाए लॉजिकली, लाइक शेयर करते रहना है आप लोग। अधिगम का शाब्दिक अर्थ क्या है यानी लिटरल मीनिंग क्या है, तो ऐसा हो सकता है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि इन्होंने ऑप्शन में क्या दिया होगा, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि शायद मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर कह दिया हो क्योंकि व्यवहारवाद ऐसा कहता है ना, एक्सपीरियंस और एफर्ट के थ्रू प्रैक्टिस के थ्रू जो परिवर्तन आता है, तो इसका मुझे पता नहीं है, आप ऑप्शन के अनुसार जाइएगा कि अधिगम का शाब्दिक अर्थ इन्होंने क्या पूछा है। समग्र शिक्षा, अगेन वही होलिस्टिक लर्निंग होनी चाहिए, ऐसी सी बात होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक, तो बेसिकली जो आपका सिलेबस है उसी पे इन्होंने स्टिक किया, बस थोड़ा घुमा फिरा के पूछा।